हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। सुबह हो चुकी है दोस्तों, धूप आजकल पड़ रही है बहुत ही कैड़ी, मतलब कि खाल जलने वाली है और आप लोगों का भुर्ता बनने वाला है। तो दोस्तों दोपहर में तो बाहर निकलने की जरूरत तभी करें जब बहुत ही अर्जेंट काम हो, राइट। तो अपना तो दोस्तों जैसे अर्जेंट काम यार ट्यूशन होते रहते हैं, है ना। तो अपना दोस्तों आज तो है, वैसे दोपहर में अपनी भी खाल जलने वाली है, तो अपना दोस्तों जाना तो है ही। चलो एक दोपहर का होम ट्यूशन है, फिर अपनी बात फिर उसके बाद सीधा शाम को है। तो होम ट्यूशन पहुंचने तक की देर होती है, उसके बाद अपना एसी में बैठो, आराम से पंखे में बैठो, फिर कोई ऐसी दिक्कत वाले वाली बात नहीं है। बट उससे पहले अपना जो है दोस्तों मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ, वो वेडनेसडे वाले स्केच में यार आज थोड़ा सा बैठ के उसको कर लेता हूँ फिनिश, थोड़ा सा उसमें फिनिशिंग दे देता हूँ। एंड अपना जो नया पोर्ट्रेट मुझे शुरू करना है A4 साइज का, से आपको जितने भी मेरे पोर्ट्रेट दिखेंगे दोस्तों वो सब A4 साइज पे दिखेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं A4 साइज पे ब्लैक एंड व्हाइट और अपने तरीके से अपने काम करने शुरू करूं और YouTube पे उनके ट्यूटोरियल्स बनाने शुरू कर दूं। तो दोस्तों आपको कल या परसों से मेरे आर्टवर्क्स जो है उनका ट्यूटोरियल मिलना शुरू हो जाएगा और आप लोगों को चारकोल, ग्रेफाइट, कलर पेंसिल से रिलेटेड ही चीजें मिलेंगी देखने को अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से। अब सुबह हो चुकी है दोस्तों, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ी बॉडी सही करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं अपना बैठ गया भाई, देखिए ये मेरा जो स्केच है वेडनेसडे वाला, इसके ऊपर दोस्तों मैंने सोचा यार आज ना क्यों ना अपने इस स्केच को कंप्लीट किया जाए, ताकि मैं कल से जो अपनी वीडियो बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे दोस्तों उस पर आपको पोर्ट्रेट्स ही मिलेंगे। आज के बाद दोस्तों आप जितने भी मेरी वीडियोस देखने वाले हैं उसमें आपको पोर्ट्रेट्स दोस्तों मिलेंगे, बहुत सारे पोर्ट्रेट मैं बनाने वाला हूँ। अब इस साल मैं जो है यही टारगेट है कि चारकोल में, कलर पेंसिल में, ग्रेफाइट में, जितना हो सके मैं बस अब पोर्ट्रेट्स के ऊपर ही फोकस करूँ और मैं पोर्ट्रेट्स दोस्तों बनाता रहूँ। बीच बीच में दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको क्लासेस वगैरह मुझसे चाहिए तो आप क्लासेस के लिए भी मुझसे दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो है फिगर ड्राइंग, एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव, ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। पर दोस्तों मेरा ना पता नहीं अब अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि यार चार पांच पोर्ट्रेट मुझे पहले अभी बना के देखने चाहिए दोबारा से और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों के डाउट या चीज़ें या मेरा भी जो अपनी एक सेल्फ प्रैक्टिस है वो थोड़ी और चलती रहे। तो यहाँ तो दोस्तों देखिए मैंने किस तरीके से भाई अपने पेंसिल चला के पेपर स्टम्प की हेल्प से मैंने उसको उस तरीके से ब्लेंड किया। और अब दोस्तों थोड़ी सी लाइट्स निकालने के लिए, सॉफ्ट लाइट निकालने के लिए हमेशा नीडेबल इरेजर का दोस्तों आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप दोस्तों सॉफ्ट लाइट्स निकालेंगे वो आपकी नॉर्मल इरेजर से नहीं निकल सकती है, ना ही मोनो इरेजर से निकलेगी। किसी भी इरेजर से निकालना सॉफ्ट लाइटनेस बड़ा मुश्किल होता है, सिर्फ और सिर्फ नीडेबल इरेजर ही दोस्तों वहाँ पर काम आती है। तो ये देखिए अब मैं लाइट्स वगैरह निकाल लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों, और बढ़िया तरीके से दोस्तों अपनी जो है लाइट्स जब मैं निकाल लूँगा फिर उसके बाद आप देखिएगा कि थोड़ा सा इसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों देखिए हर पोर्ट्रेट बनने के बाद ना ऐसा लगता है यार काश मैं इस टाइम ये काम कर चुका होता, बट यार मुझे ना इस टाइम इसको जो है काम को जो है जल्दी जल्दी थी बस कि मैंने यार जल्दी से मैं इसको निपटा देता हूँ, पता नहीं क्यों थी यार, पर मेरे को ये पोर्ट्रेट थोड़ा जल्दी बनाना था। तो ये देखिए अब इसके अंदर जो दोस्तों मैं अपना इफेक्ट डालता हूँ हमेशा पोर्ट्रेट चारकोल में कि यार थोड़ा सा ये जो पोर्ट्रेट है ना उसमें ये टुकड़ों वाला इफेक्ट दे आ जाने से थोड़ा मुझे यार इंटरनल ना सेटिस्फेक्शन लगता है, और मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी एक लाइक एक सिग्नेचर बनने वाला है शायद, क्योंकि अब मैं अपने पोर्ट्रेट में दोस्तों ये सिग्नेचर साइन ज़रूर दिया करूँगा कि उसमें ये मैं छोटे छोटे टुकड़ों के पीसीज ज़रूर बनाया करूँगा। ये मैंने कृष्णा जी वाले में भी डाला था, गिलहरी में भी डाला था, आर्नोल्ड वाले में भी डाला था, और दोस्तों मेरा जो है ना अब ये मन करता है कि मैं यार इसको बार बार डालता रहूँ, और मुझे ना इसको बनाने के बाद ऐसा भी नहीं लगता कि मेरा पोर्ट्रेट ख़राब हो गया, जैसे चेहरे पे मैंने ये डब्बा बना दिया, बैकग्राउंड में बना दिया, शर्ट पे बना दिया, ड्रेस पे बना दिया, तो मुझे लगता है यार नहीं ये अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगता है ये डिज़ाइन मेरा। तो ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे हमने ये किया, और अब इसको कर लेने के बाद हम पेपर स्टम्प की हेल्प से इनको जो है ब्लेंड करना, यानी कि थोड़ा सा ब्लर करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे दोस्तों हमने अपना जो काम है डे बाय डे रूटीन के हिसाब से दोस्तों देखिए हैंड राइटिंग, अब मैं जो है कल यूज़ करूँगा नया फाउंटेन पेन, ये हमारा जो है अभी देखिए गेटअप रेडी हो चुका है। अब इसको दोस्तों मैं पहले फिक्सेटिव लगा देता हूँ इसके ऊपर, फिक्सेटिव लगा देने के बाद टेप हटा दूंगा दोस्तों, तब देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए दोस्तों ये हमारा फाइनल लुक, टेप हट चुकी है और बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आ चुकी है। अब दोस्तों मैं निकल पड़ा अपने होम ट्यूशन के लिए, तो भाई अपार्टमेंट में आने के बाद मैंने लिफ्ट ली, फिर मैं ऊपर पहुंचा भाई, पढ़ाई वढ़ाई कराई। ये देखिए हमने क्या कर रहे थे, हम ये काम कर रहे थे दोस्तों, हम मिनिएचर पेंटिंग बना रहे हैं जिसमें कि ब्रश काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, और ये ट्री का टेक्सचर दोस्तों डालने की हमने कोशिश करी थी आज। ये पेंटिंग धीरे धीरे जैसे ही बनती रहेगी मैं आपको दिखाता रहूँगा टाइम बाय टाइम, बहुत ही अल्टीमेट दोस्तों बनने वाली है। फिर उसके बाद मैं देव के पास गया, देव को मैंने सिखाई स्टेपलिंग यानी कि डॉट वर्क। ये देखिए दोस्तों बहुत ही महीन काम होता है ये। तो दोस्तों पढ़ाने के बाद आ चुके हैं अपने घर पे फाइनली, अब अपने रूम पे आ जाने के बाद दोस्तों क्लास है अपनी रात को अभी 9 बजे,
तो जिसमें कि एनाटॉमी की दोस्तों हमारी क्लास चलेगी। तो बस क्लास देने के बाद करेंगे दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि अभी दोस्तों डिनर टाइम हो चुका है। तो डिनर टाइम करने के लिए दोस्तों अपना जो है भाई आई थिंक उसके बाद अगर टाइम मिल जाता है तो मैं ग्राफ से जो है अपनी ड्राइंग बनाऊंगा। एक नया पोर्ट्रेट शुरू होने वाला है, उसका ट्यूटोरियल दोस्तों आपको नए चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी डिनर के बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों रात की भी क्लास अपनी जो है फिनिश हो चुकी है, अब जो है बस दोस्तों रात को हो गया सोने का टाइम। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को सब सीधा कल के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।